हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हाँ। आशा करते हैं आप भी सब ठीक होंगे। और चलिए करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और बच्चों के लिए बनाते हैं टिफिन खाना। और सोमवीर जी जा रहे हैं दूध लेन, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पराठे बना दिए हैं, चिमनी चालन लग रही थी और अन्नी का टिफिन पैक होने लग रहा है। और इसमें सब्जी डालूंगी, ये इसकी रोटी और यो दही। और सोमवीर जी आ गए हैं दूध लेकर, तो चलिए मैं एक बार टिफिन पैक कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये अन्नी हो गया है तैयार। अन्नी हो गया बेटा, क्या कर रहा है? दही ना, और बोतल गाल ली है। और ये दूध ओस दिया है। नाश्ता मैंने अपना भी साथ में बना लिया है। और ये बर्तन हो गए हैं, ये भी ना साफ करूंगी, ये रात न जो साफ कर रखे थे इन रखूंगी। और सोमवीर जी आ गए हैं, इसके लिए तो दूध उजा है नहीं ना ढक दूँ, क्योंकि मेरा काम सबसे पहला ही हो है। और ये लेके आते मेरे लिए रोजाना दातू, थैंक यू थैंक यू। और ये अन्नी हो गया है रेडी, और मेरा हो रहा पानी, मैं पानी पीऊंगी थोड़ा। हाँ क्या खा है यो? इब कल खाई थी ना? नी दिखा कौन सी ली हर। और रितिका अभी लेट रही है क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही है इस मारे, आज ये स्कूल नहीं जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये जा बेटा, सदा खुश रहे। अन्नी जा रहा है स्कूल, आराम से जाइए बेटा। चलिए चलते हैं किचन में। और मैं आ गई थी किचन में, दूध हमारा गर्म हो गया है। और आज बनाऊंगी मैं लौकी का रायता, ये सलाद वगैरह काटूंगी। और चून छान दिया है कुकर में, मतलब निकाल दिया है। और बर्तन सुबह के नाश्ते के, दूध के, चाय के रखे हैं, इन्हें साफ करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। और ये मैं यहाँ पर घिया को छील रही हूँ, ये है लंच की तैयारी। लंच में हम बनाऊंगे आज रायता। क्योंकि ना सोमवीर को ना रायता बहुत पसंद है, और वो भी स्पेशल घिया का। इस मारे मैं सब्जी बनाऊं थी, बोले सब्जी मत बनाइए रायता बनाइए। सब्जी ना गया कि बहुत मतलब कम खुश होकर खावे हैं। ये मैंने छील दी है, अब मैं इसको बनने के लिए रख दूंगी। अब तब तक मैं आटा लगा दूंगी, आटा लगा के मैं सलाद वगैरह काट दूंगी, और फिर बर्तन साफ कर दूंगी। इतने इसमें सीटी आ जाएंगी, मैं इसने खोल कर रख दूंगी, ठंडी भी हो जाएंगी ये। दूध जैसे कि मैंने आपसे बताया दिया था हो ही गया था। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बर्तन साफ कर दिए हैं, दूध हो रहा था गरम, और चीखना हाथ लगा कर चून भी भेज दिया हमने इसमें रख दिया है। और कुकर में ये घिया उबल गई है, मैंने खोल कर रख दिया। और चलिए देखते हैं रितिका क्या कर रही है। और ये सुबह प्रेस करी थी, तब इन कपड़े का प्रेस करूंगी मैं। ये ऐसे ही बिछा रहने दिया। और ये सोमवीर जी मेरे लिए लेके आए थे दातन। और रितिका रानी क्या कर रही है, और ये देखिए रितिका पढ़ ली बेटा। और सोमवीर जी सो रहे हैं, क्योंकि ये 4 बजे उठ कर दूध लेने गए थे, और आज ये थक रहे थे तो बोले के थोड़ी देर सो लूं। तो चलिए मिलते हैं। और आप सोचोगे इतनी जल्दी काम क्यों कर दिया, और टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं ना, ये 10 बज रहे हैं। दवाई ववाई मैंने ले ली अपनी, और बर्तन वर्तन जैसे आपने देखा ही, मैं कुकर ने खोल कर रख दूंगी, उसमें वो ठंडा हो जाएगा जब बनाऊंगी मैं रायता। और रोटी बनाऊंगी मैं 12:30 बजे,
अन्नी भी आ जाएगा। और रितिका की मैंने बताई थी तबीयत खराब है, और भाई देखो बेटियों को कहना नहीं पड़ता इसकी तबीयत खराब है, फिर भी अब थोड़ा सा आराम होते के साथ अपना काम करने लग गई। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं कर लेती हूँ प्रेस। चाय बन गई है। मैं पंखा चला रखा, आवाज आती होगी आपने पंखे ने बंद कर दी। मेरे पापा जी आ रहे हैं क्योंकि वे यहाँ मतलब कहीं पर जा रहे थे, तब हमारा आते जाते घर रास्ते में पड़ा है इस मारे। और मैं बना देती हूँ चाय, वो हमसे मिलने आ गए थे और ये बना दी है मैंने उनके लिए चाय। ले पापा चाय, बिस्कुट बिस्कुट भी ले। रितिका पढ़ाई कर रही है, आज या पूरा दिन काम करेगी, स्कूल बना गई। हो गया हमारा खाना रेडी, आ जाओ मन लगा दिया ठंडा हो जाएगा। और वे आ रहे हैं सोमवीर जी हाथ धो के, और हम खाते खाना। ये हो गया हमारा खाना रेडी और ये आ गए हैं सोमवीर जी। खाना खा लो तो आइए भाई, और आइए आप भी खा लीजिए। और ये खा रहे हैं सोमवीर जी। कैसा लगा जी रायता? इन सब्जी पसंद नहीं है इतनी गया कि इन रायता पसंद है, तो चलिए हम भी खा लेते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और रितिका रोटी बनाने लग रही है, वो देगी हमने गर्मा गर्म और हम खाते हैं। तो चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रितिका नर्मने लग गई है भूख, और शाम के बज रहे हैं 5, और मैं बनाऊंगी सैंडविच। और सैंडविच में मैं अपना तो बनाऊंगी मलाई लगा कर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये मेयोनीज मेयोनीज कुछ भी अच्छा ना लगा करें, सादा सा बनाऊंगी। इस पर दोनों आप मलाई लगा कर हल्की हल्की लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। इस पर थोड़ा सा नमक डालूंगी, मिर्च विर्च भी कुछ नहीं डालूंगी, खाओगे फिर खाओगी के मैं इसी तरह खाया करूं। हल्का सा नमक एक बार और डालूंगी। ये तो हो गया मेरा रेडी, इसमें काट लूंगी और रितिका के में लगाऊंगी मेयोनीज और सॉस।
मैं ये सोच सर मियोनीज मना छेन लग गया करा भी मेरे बंद हैं ये बाहर के, और मैंने खाए भी ना है कभी, टेस्ट भी ना करा है इनका। इस पे ये लगा दिया, और वो ना टमाटर लगवावे, बस खीरे खीरे लगवाओगे। और उसके मैं खीरे खीरे लगाऊंगी मैं, और डालूंगी नमक, ये हो गया हमारे सैंडविच तैयार। इसमें मैं काट दूंगी, तो जल्दी बनने वाला। और आइए आप भी खा लीजिए, और जब छोटी छोटी भूख हो हमने तो हम इसी तरह बना लिया करें। वो नान लग रही है, नाने के बाद खाएगी वो, और मैं खा लेती हूँ अभी, और इनको रख देती हूँ उठा के। आइए आप भी खा लीजिए, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। और ये रितिका के लिए बना था मैंने सैंडविच, किसा लगा रिति? अरे ये ना आई है, टमाटर क्यों ना खाती रितिका है? टमाटर क्यों ना खाती? तो फिर उबाल कर दरिया करूंगी पीछे फिर खा लेगी। अरे इसका उम्र कंप्लीट हो गया करा रहा है, बिजेरी का होता है नहीं पूरे दिन के लाकर। असल में तो मेरा काम करवाने लग जाए ना, जाए हमारे भी रह जाए है ना। ईब के करेगी भाई इसके हाथ की चाय मना जरूरी है, मन अपने हाथ की अच्छी ना लगती। तरीति का चाय भी रखा ही है ना कन है, तो अब पियेंगे हम चाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये मम्मी पी रही है चाय, आप भी पी लो, बहुत बढ़िया चाय बन रही है। आप सोचोगे कि ये मक्का क्यों लेकर आया था साथ में, तरीके का थोड़ी ना ठंडी चाय पिया करे, और चाय भी जब पिया की छणवा कर ठंडी करवा कर छणवा कर ना जब पिया करे, तो इस मारे छलनी भी और मक्का भी साथ होया करे मैं कर लेती चाय एंजॉय, बहुत टेस्टी बन रही है, मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। और ये आ गए हम किचन में, किचन बिल्कुल साफ है और पंखा चल रहा है, आवाज आ रही होगी तो थोड़ा इग्नोर करना। आलू काट दिए हैं, मिर्च दो कर रख दी है, टमाटर कस दिए हैं, और रितिका बनाएगी नमकीन चावल, और बर्तन साफ करूंगी मैं, फ्रिज वगैरह साफ कर रहा है, उसमें दूध धरा है वो, और वो पढ़ाई कर रही है, बोल रही मम्मी चावल तो मैं छोक दूंगी और आप इतना बर्तन साफ कर लो। तो मैं करूंगी बर्तन साफ, रितिका छोकेगी चावल, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमकीन चावल बनाऊंगी दिन में, ये कुकर था तो लॉक रहे, ये टमाटर मन गए नून मिर्च सब सारी चीज, ये आलू मिर्च और ये चावल भी रखे हैं, इनमें छोक लगा दो इसमें। ये मैंने रख दिए यहाँ पे कुकर में, सीटी आ जाएंगे तो फिर बाद में हम खा लेंगे। और ये बन गए हैं हमारे चावल, और हम खा रहे हैं रितिका के मेरे, और ये लस्सी है, और ये रायता बनाया था दिन में वो बच रहा था वो भी ले लिया है, तो चलिए हम खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे। और रात के बज चुके हैं 10, और हमने खाना वाना खा लिया है, नमकीन चावल बनाए थे रितिका ने, और भाई शेयर करया करो और लाइक करया करो और सब्सक्राइब करना मत भूलया करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बाय।